स्वागत आप सभी का फर्स्ट इंडिया न्यूज देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ पूनम शर्मा सोलंकी। तो चलिए राजस्थान 10 बजे की शुरुआत करेंगे और जानकारी देंगे कि केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव का अलवर संसदीय क्षेत्र का दौरा और केडलगंज में व्यापार संघ द्वारा अभिनंदन समारोह में शिरकत कर रहे, क्या कुछ कहना है इस दौरान, चलिए सुनवाते हैं। और मैं अलवर के सभी व्यापारी भाइयों का, चाहे हमारे केडलगंज के हों, चाहे हमारे नौगावा के हों, चाहे हमारे राजगढ़ के हों, लक्ष्मणगढ़ के हों, कैसल के हों, बैरोड के हों, जितनी भी हमारी मंडियां हैं, मुझे लगता है उन्होंने आशीर्वाद देने में, जैसे परमात्मा छत पर बाढ़ के बरसात कर रहा है, ऐसी बरसात नहीं कर रहे, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका सेवक मानना, आपके बीच में केंद्रीय मंत्री नहीं हूँ, आपका साथी, आपका सांसद, आपके अलवर का प्रतिनिधि हूँ, जो सेवा होगी आपके लिए करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंद। तो बेहद खास कार्यक्रम अलवर में, सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे थे, केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव का अलवर संसदीय क्षेत्र का दौरा, स्वागत सत्कार उनका हुआ, केडलगंज में व्यापार संघ द्वारा अभिनंदन समारोह में वो शिरकत कर रहे थे, अपना संबोधन दे रहे थे, हमने आपको सुनवाया भी। तो वन मंत्री संजय शर्मा, जिला प्रमुख बलबीर छिल्लर मौजूद, सभापति घनश्याम गुर्जर, ज्ञान देव आहूजा, संजय नरूका, अशोक गुप्ता, सुरेश जलालपुरिया, सुरेश गुप्ता भी मौजूद है। तो बेहद अहम तस्वीरें अलवर से भूपेंद्र यादव का केडलगंज में अभिनंदन समारोह और संबोधन आपने सुना, महत्वपूर्ण बातें वो कहते हुए नजर आए और अलवर में अपना संबोधन भी उन्होंने दिया। तो सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे, पीछे देख पा रहे हैं जो खास कार्यक्रम का उद्देश्य है वो होर्डिंग में भी नजर आ रहा है, क्योंकि बकायदा लिखा गया है स्वागत एवं अभिनंदन समारोह। तो बेहद शानदार स्वागत सत्कार अलवर में केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव का हुआ, केडलगंज में व्यापार संघ द्वारा अभिनंदन समारोह में पहुंचे हैं वो, हर किसी का अभिवादन स्वीकार करते हुए भी नजर आए सभापति घनश्याम गुर्जर, ज्ञान देव आहूजा, संजय नरूका, इसके अलावा तमाम अन्य दिग्गज भी मौजूद हैं। दिग्गज भी वन मंत्री संजय शर्मा इस दौरान अपना संबोधन दे रहे हैं, चलिए सुनवाते हैं आपको। हमारे सीसीएफ आदरणीय राजीव चतुर्वेदी जी, सरपंच साहब आदरणीय कैलाश मीणा जी, आदरणीय राजेंद्र हुड्डा जी, आदरणीय प्रेम पटेल जी, मंच का संचालन कर रही हमारी बहन ऋतु बहन जी, और इस कार्यक्रम में उपस्थित पूजा के योग मेरे बुजुर्गों, युवा साथियों, मातृशक्ति, सबसे पहले तो मैं अलवर शहर के आम जन की ओर से हमारे अपने सांसद केंद्रीय मंत्री आदरणीय भूपेंद्र यादव जी का और आप सब की ओर से हार्दिक अभिनंदन करता हूं, हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज जो सौगात, क्योंकि प्राय ये देखा जाता था कि वन विभाग का काम केवल पौधारोपण तक ही सीमित था, लेकिन ये विजन हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का और साथ ही साथ उनके मार्गदर्शन में काम कर रहे आदरणीय भूपेंद्र यादव जी का, कि वन विभाग के माध्यम से चाहे वो मातृ वन हो, चाहे नगर वन हो, चाहे लवकुश वाटिका हो, शहरी क्षेत्र के आम जन को और ग्रामीण क्षेत्र के आम जन को वन विभाग के माध्यम से एक ऐसा स्थान उपलब्ध कराया जाए जहां घूमने के लिए एक अच्छा स्थान हो, और जो ऑक्सीजन की कमी हमको कोरोना कालखंड में देखी गई थी और उसका महती कारण यह था कि हमने प्रकृति से लिया ही लिया लेकिन प्रकृति को दिया नहीं, पौधों और पेड़ों की हम कटाई करते रहे लेकिन पौधारोपण का काम हमने किया नहीं, पौधे लगाए तो उनका संरक्षण किया नहीं, उस वक्त माननीय प्रधानमंत्री जी के जहन में जो विचार आया उसी का परिणाम है कि आज संपूर्ण देश के अंदर चाहे वो नगर वन हो, चाहे वो मातृ वन हो, चाहे लवकुश वाटिका हो, चाहे बायोलॉजिकल पार्क हो, जिस प्रकार की सोच आदरणीय प्रधानमंत्री जी की है उस कार्य को बढ़ाने का काम हमारे वन पर्यावरण मंत्री केंद्र के आदरणीय भूपेंद्र यादव जी कर रहे हैं और राजस्थान में हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल जी के नेतृत्व में ये काम बखूबी हो रहा है। मुझे बताते हुए खुशी है कि 4 अगस्त को इसी अलवर शहर में, जहां दोनों भूरसिद्ध है, नया भूरसिद्ध और पुराना भूरसिद्ध, वन विभाग की भूमि पर विलायती कीकर जूली फ्लोरा जो लगा हुआ था और जिसको लेकर के भारत सरकार भी चिंतित है, राजस्थान सरकार भी चिंतित है, क्योंकि वो एक ऐसा पौधा है जो जिसके नीचे ना तो कोई वनस्पति पनपती है ना कोई पशु उसको खाता है,
और यदि उसका काटा किसी पशु या किसी व्यक्ति को लग जाए तो बहुत बड़ा घाव बन जाता है। उसको उखाड़ करके हमारे जो पेड़ है, पीपल हो, बड़ हो, नीम हो, आंवला हो, जामुन हो, अश्वगंधा हो, जो औषधिपूर्ण पेड़ है, जो पर्यावरण को संरक्षित करते हैं, पर्यावरण को शुद्ध करते हैं, उसको लगाने का काम